श्रद्धायुक्त आराधना का फल। अगर भगवान को हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करेंगे तो भगवान हमारे लिए हर समय किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ उपस्थित रहेंगे। सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा जो था वो बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसके दो चीज़ें प्यारी थी। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक दिन घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता पत्रों में एक शिवलिंग था। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा कि महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दे तो मैं इसे रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दीजिए, ताकि मैं रोज इनकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंडभील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता राख की ही हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाए। भीलनी के लिए यह नई बात थी, उसने कभी पूजा पाठ न देखी थी। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा न करती, पर भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में काफी रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है कि वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं गई थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान नहीं था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई पर चिता भस्म थोड़ा सा भी नहीं था। चिंता और निराश में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा कि आज बिना भस्म के ही पूजा कर ले, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं। भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा कि प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रहूंगा, मेरा मन बड़ा दुखी और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सूझा। भीलनी बोली कि यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ, आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी, मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लें। भील न माना, बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पतिदेव और देवों के देव महादेव के काम आने की इस अवसर को न छोड़ूंगी। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में तो था नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद के लिए आवाज दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा कि यह कैसे हुआ, तुम कैसे आई, यह घर कैसे वापस बन गया। भीलनी ने सारी कथा सुनाई कि जब धधकते आग में
घुसी तो लगा कि जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। ये सब बातें कर ही रहे थे, अचानक आकाश से एक विमान यहाँ उतरा। उसमें भगवान के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।